ये तो बड़ी दुखद आपने ये बात सूचना दी कि रविकांत जी को कुछ लोगों ने घेरा, तो ये मैं इसके लिए खेद प्रकट करता हूँ और उनका वो करता हूँ, विरोध करता हूँ जिन लोगों ने ऐसी हरकत की। और उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ जिन लोगों ने प्रोफेसर रविकांत को घेरने की कोशिश की, उनको बोलना चाहता हूँ कि भाई आपको क्या दे रही है ये सरकार, यही घेराव करना, यही हनुमान चालीसा, यही रामनवमी, यही धर्म संसद, आपको हिंदुत्व की अफीम पिला कर वो ये बोल रहे हैं कि आप जाके इसका घेराव करिए। और कल जो आपने बोला कि चर्चा करिए, मैं धर्म की बात नहीं करी, जो आप श्रीलंका की बात चल रही है तो मैं थोड़ा सा श्रीलंका की बात जरूर करूंगा कि एक मंत्री जो जॉनसन फर्नांडो है, उनकी कार को आज सुबह बैठे थे वो कार में और उसको धक्का देके उस नहर के अंदर डाल दिया गया। जाहिर सी बात है उनकी मृत्यु हो गई होगी, अब तक उसकी सूचना नहीं आई। दूसरा, एक सांसद जो सत्ताधारी दल के ये मंत्री थे और सत्ताधारी दल के ही सांसद थे, वो उनको जब जनता ने घेरा तो वो भाग कर, उन्होंने गोली चलाई और भाग कर वो एक बिल्डिंग में घुस गए। उस बिल्डिंग को चारों तरफ से घेरा जनता ने और फिर वो सांसद ने, उन्हें मालूम था कि ये जनता ने मुझे घेरा है, अब कर्नल गद्दाफी की तरह मेरी क्या हालत करेगी, टुकड़े टुकड़े करे या चप्पल से मारे या जूते से मारे। और अंत में जो है वो उन्होंने खुद उस दर्दनाक मौत मरने की जगह अपनी कनपट्टी में गोली मार दी। इसी तरीके से राजपक्षे की जो पार्टी के नेताओं, सांसदों, जनप्रतिनिधियों, पार्टी कार्यकर्ताओं को घेर घेर के मार रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं। अब ये बात हम नहीं करेंगे क्या? हम खबर की दुनिया में आए क्यों थे? अगर हम खबरों पर भी चर्चा नहीं करेंगे तो क्या, तो अभी रुपए पे की बात हम करने वाले हैं, लेकिन ये तो बात करी नहीं पड़ेगी ना कि रुपए की हालत हुई क्यों। रुपए को डॉलर के मुकाबले में सबसे निचले स्तर में भारत में क्यों आना पड़ा? क्योंकि यही हालत श्रीलंका में हुई थी। जब भी आप, क्या हुआ था श्रीलंका में, मैं विनीता जी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि वहां पर भी यही हालत थी जो कमोबेश भारत में है। लेकिन मैं हालत बखान करने के पहले मैं एक कामना करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो श्रीलंका में हालत हुई है, वहां के मंत्रियों सांसदों के घेराव की, उनके घर चलाए जा रहे हैं, जो सामाजिक हिंसा हो रही है, जो सत्तारूढ़ सरकार के खिलाफ जो चीजें हो रही हैं, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, हम श्री राम की से निवेदन करेंगे कि हमारे भारत में कम से कम ऐसी दशा मत होने दो। ठीक है, बहुत सारे लोग सत्ताधारी दल से, भाजपा और नरेंद्र मोदी से सहमति नहीं रखते हैं, वो उनकी आदत है, वो नरेंद्र मोदी का खेल है कि वो उनसे कोई सहमत नहीं रखे तो चाहे वो चिदंबरम हो उसको जेल में डाल देंगे, चाहे वो जिग्नेश मेवाणी हो उसको आसाम की पुलिस पकड़ ले जाएगी, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो उनको 1.5-2 साल से आप जेल में रखेंगे, चाहे वो आजम खान हो उनको आप अभी तक जेल में रखे हैं। तो ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की आदत है, शकल है, शौक है, हॉबी है कि उनसे जो सहमत नहीं है उनको जेल में डाल दो और वो जेल में सड़ते रहें। यही हालत श्रीलंका में हुई है। मैं ये बातें सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ कि नीता जी, श्रीलंका में भी जो अल्पसंख्यक हैं वो तमिल हैं और तमिलों का नरसंहार किया 2004 में। पहली बार जो है ये महिंद्रा राजपक्षे जो है बड़े कम बहुमत से जीते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यक तमिलों का संहार किया, उनके खिलाफ वातावरण बनाया और बहुसंख्यक सिंगली को, सिंगली समुदाय को प्रसन्न किया। ऐसा ही तो भारत में भी हो रहा है, अल्पसंख्यकों मुस्लिम लोगों के खिलाफ सारा वातावरण बन रहा है और हिंदुओं को खुश करने की कोशिशें की जा रही हैं, और यही सिंगलों को खुश करने की कोशिश महेंद्र राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री ने की थी। आज वही बहुसंख्यक लोग सड़कों पर निकल कर आपका इस्तीफा ले लिए, महेंद्र राजपक्षे सांसदों के घर जला रहे हैं।
आपके दो सांसदों की मृत्यु हो गई है, बहुत सारी सूचनाएं छन छन कर नहीं आ रही हैं, कोई कार्यकारी प्रधानमंत्री बनने को तैयार नहीं है, ये वहां के अल्पसंख्यक नहीं कर रहे हैं, वो वहां के बहुसंख्यक कर रहे हैं। तो ध्यान रहे कि भारत में भी ऐसी महेंद्र राज पच्चे जो थे, इनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ी? इनकी लोकप्रियता बढ़ी थी जब उन्होंने अल्पसंख्यक तमिलों का संहार किया। नरेंद्र मोदी की भी लोकप्रियता गोधरा से बढ़ी है। मैं इस बात को बार बार बोल रहा हूं, हम बिल्कुल नहीं चाहते ना ही ऐसा होने देंगे कि जो श्रीलंका में हालत हुई है वो भारत में हो। चाहे भारत में कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, भारत में सत्ता पक्ष है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लाना और हटा देना हमारे पास एक अधिकार है। ये अलग बात है कि वो ईवीएम का उपयोग भी वर्तमान के केंद्रीय मंत्री और केंद्र सरकार जो है गलत तरीके से करती है। तो 40,000 तमिलों को मौत के घाट उतारा था, तब महेंद्र राज पच्चे की लोकप्रियता बढ़ी थी और उन्हें भी समझा जा रहा था कि ये तो है अवतार आ गए श्रीलंका में, एक बड़े महान व्यक्ति आ गए हैं, इन्होंने भगवान के रूप में अवतार ले लिया है, और आज उनकी क्या हालत हुई वो देखिए। ये बात श्रीलंका में ये हालत हुई क्यों? श्रीलंका में आज रोटी के लिए लोग परेशान, आज श्रीलंका में जो है आटे की हालत क्या हुई, शिक्षा की हालत क्या हुई, क्यों क्यों ऐसी सारी चाजें? क्योंकि आपने व्यापार करने का वातावरण ही खत्म कर दिया, जीडीपी से ज्यादा तो आपने कर्जा ले लिया। भारत में भी वही हाल, भारत भी कर्जदार होता जा रहा। मैं बार बार ये कहता जाता हूं कि हम नहीं चाहते हैं कि श्रीलंका जैसी हालत भारत की हो, लेकिन एक बात तो बोलना भी चाहेंगे, हम अखबार की दुनिया के लोग हैं, कि हमारे जो सीमावर्ती देश हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनमें क्या, क्या 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 शुरू हो चुका है जरा आप बड़े गौर से देखिए। अफगानिस्तान से शुरू हुआ था, अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तित हुई, दूसरा पाकिस्तान में क्या हुई, सत्ता परिवर्तित हुई, श्रीलंका में तो हिंसा के साथ हुई, अफगानिस्तान में भी हिंसा के साथ हुई, पाकिस्तान में कमोबेश उतनी हिंसा नहीं हुई। तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, सरकार किसी भी रहे, किसी की भी रहे, किसी की भी आए और किसी की भी जाए, लेकिन इस मुल्क में लोकतांत्रिक तरीके से ही चीजें होनी चाहिए। यह मुल्क किसी पूंजीपति के हाथ में गिरवी नहीं रखा जाना चाहिए। इस मुल्क में रुपए की हालत जो हुई है वो तो हम लोगों ने देख लिया ना, उसमें क्या हुआ, आपने क्या इस केंद्र सरकार ने किया है कि एनपीए आज जो है भारतवर्ष के इतने बड़े इतिहास में स्वतंत्रता के, आज एनपीए सबसे ज्यादा है, उनके सारे अडानी अंबानी दोस्तों का कर्जा माफ हो गया। और सबसे जो है शर्मनाक बात है, मोहन भागवत साहब, सबसे शर्मनाक बात है कि हमारे देश की जो आर्थिक प्रतिभा है, हमारे देश के जो आर्थिक जो इकोनॉमिक टैलेंटेड लोग हैं उनके साथ आपने क्या किया है? रघुराम राजन क्या है, आज बैंक ऑफ इंग्लैंड के प्रथम व्यक्ति बने। अरे हमारे देश की प्रतिभा है, आर्थिक प्रतिभा है, और उसको विदेश में नौकरी करनी पड़ रही है, क्योंकि आपने आरबीआई में उसे काम नहीं करने दिया। आपने इस मुल्क को, आप उर्जित पटेल को ले आए क्योंकि वो गुजरात का था और आपका चमचा था, और बाद में वो भी छोड़ के गया आपकी आपकी जबरदस्ती। आज रिजर्व बैंक से कितना पैसा, जो हमारी रिजर्व मनी थी वो कितना निकाल के जो है खर्च किया गया, और खर्च काहे में किया गया? नरेंद्र मोदी को 8,000 करोड़ के दो विमान लेने, क्यों लेने हैं भाई? आप मनमोहन सिंह वाले विमानों का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आप मनमोहन सिंह द्वारा इस्तेमाल की गई जो कारें हैं वो ही इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? 12 करोड़ की मर्सिडीज कार कौन सी, कौन खरीदने की क्या जरूरत थी? आपने आज अभी भी आरबीआई ने भी जो दिया है, मैं वो एकेडमिक बहुत सारी बातें नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं जरूर है कि मैं शुरुआत में ये बोलना चाहूंगा कि आज अडानी अंबानी
इन लोगों को विकसित, अरे इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर आता है, अरे यहाँ आके तुम, हम कहते विरोधी पक्ष के प्रथम राहुल गांधी से मत मिलवा मिलने देते, आप यहाँ जी पर आए सर, किसी अन्य व्यक्ति से नहीं मिलने देते, अरे आप किसी समाज शास्त्री से मिलाते, लेकिन जी सर, आपने आते ही उन्हें अडानी से मिलाया। मैं थोड़ी अंतिम बात कर कहूंगा, ये कहनी जरूरी है, श्रीलंका जैसी स्थिति है कि 51,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, इसके पीछे साजिश क्या है? मैं आपको बताना चाहता हूं, 2018-19 में 10,83 ठीक है हजार सर। सरकारी स्कूल। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।